आगे बढ़ेंगे, खबर आपको देंगे पेशावर के हवाले से, जहां पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और काबीना का इजलास और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने काबीना का अहम इजलास आज तलब कर रखा है। महकमे इंतजामी अमूर ने एलामिया भी जारी कर दिया, जबकि काबीना का इजलास 7 घंटे एजेंडे पर मुश्तमिल है। इसका एलामिया के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरामीम और हेल्थ केयर सर्विसेज समेत दीगर अमूर शामिल है। इजलास में कोरोना से मुतालिक ताजा तरीन मजमूई पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। सूबे भर में जारी स्मार्ट लॉकडाउन के असरात से मुतालिक गौर व खोज भी किया जाएगा। टिड्डी दल के खात्मे के लिए उठाए गए इकदाम का जायजा भी काबीना के इजलास में लिया जाएगा। मजीद तफसीलात क्या है तब तक क्या है, हमने नुमाइंदा दिन न्यूज नवाब शेर से। जी नवाब, आगा करें। जी बिल्कुल, खबर पख्तूनख्वा काबीना का अहम इजलास आज तलब कर लिया गया है, जिसकी सदारत वज़ीर आला महमूद खान करेंगे। ये जो इजलास है ये 7 नुकाती एजेंडे पर मुश्तमिल है, जिनमें लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम और हेल्थ केयर सर्विसेज समेत दीगर उमूर शामिल है। जबकि इजलास में टीबी हमले के तहफ़ के लिए कानून के मुसलते की मंजूरी भी मुतवक्के है, जबकि इसके साथ साथ कोरोना से मुतालिक ताज़ा तरीन मजमू पेशरफ का जायजा भी लिया जाएगा। जबकि इजलास में सूबे भर में जारी स्मार्ट लॉकडाउन के असरात से मुतालिक और गौर भी किया जाएगा, जबकि टिड्डी दल के खात्मे के लिए उठाए गए इकदाम का भी काबीना के इजलास में जायजा लिया जाएगा। अब से कुछ देर पहले जो है वो वज़ीर-ए-आला महमूद खान की ज़ेर-ए-सदारत काबीना इजलास शुरू हो चुका है, जिसमें इस 7 नुकाती एजेंडे के अलावा 3 इजाफी